बाली में 67वां वन्य जीव सप्ताह का हुआ आगाज। बाली में वन विभाग और वाइल्ड एंड स्टेट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। ये कार्यक्रम 1 अक्टूबर तक चलेगा। ब्लॉक के गाँव में वन्य जीव सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। क्षेत्रीय वन अधिकारी चंदन सिंह चौहान ने कहा है कि वन विभाग 67वां वन्य जीव सप्ताह मनाने जा रहा है, इसी में वन्य जीवों के पर्यावरण को बचाने एवं उनकी सुरक्षा करने को लेकर बाली ब्लॉक के गाँव में रैलियां सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव तिनागुड़ के दौरे को लेकर आज जीवन कला पहुंचे। बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत जीवन कला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आज उनका ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच प्रतिनिधि बलाराम बोस के द्वारा माला व साफा पहना का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि फालना में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होना है, इसी को लेकर आज पुष्पेंद्र सिंह राणावत जीवन कला पहुंचे तथा लोगों से आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। ग्रीन विनेस पब्लिक स्कूल नाडोल के विद्यार्थियों का नवोदय में चयन। नाडोल कस्बे के में स्थित ग्रीन विनेस पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राओं का नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा में चयन होने पर विद्यालय परिवार की ओर से खुशी जाहिर की गई। विद्यालय के संचालक विनोद कुमार टेलर ने बताया है कि स्थानीय विद्यालय के कक्षा 5 में पढ़ने वाले छात्र मानवेंद्र सिंह चंपावत पुत्र परविंदर सिंह चंपावत रड़ावास के 4वें रैंक व छात्रा प्रीसा रावल पुत्री मुकेश रावल निवासी पोहड़ी 39वीं रैंक पर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में परीक्षा में चयन होने पर विद्यालय परिवार की ओर से मुंह मिटाकर स्वागत किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव का 3 अक्टूबर किरवा में स्वागत समारोह को लेकर पूर्व सांसद जैन व भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। किरवा 1 अक्टूबर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 3 अक्टूबर को पाली जिले के दौरे को लेकर किरवा के मामाजी महाराज मंदिर गेट पर स्वागत समारोह की तैयारियों को लेकर खौड़ मंडल के कार्यकर्ताओं ने जायजा लेते हुए कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान पर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा रानी द्वारा पंचायत समिति मुख्यालय पर समिति अतिरिक्त विकास अधिकारी हीरालाल मीणा को ज्ञापन दिया। 1 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन कलमबंद असहयोग आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि अगर हमारी सरकार द्वारा समस्त मांगे नहीं मानी जाती है तो प्रशासन गांवों के संघ अभियान शिविर के में समस्त कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। इस अवसर पर विकास अधिकारी सोजत में जमकर बरसे बरसात, आमजन के चेहरे के लिए बच्चों ने बारिश में पानी में की अगते लिया। सोजत अब्दुल समदराई शहर के शुक्रवार को जमकर बरसात हुई, जहाँ गली मोहल्लों से लेकर बाजारों में सड़कें पानी से लबालब हो गई। घंटे पौने घंटे तेज बारिश ने चारों ओर पानी पानी कर दिया। बच्चों ने भी बारिश में अकेलिया करते भी नजर आए। तेज बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया, लोगों को भयंकर गर्मी से राहत महसूस हुई है। अच्छी बारिश होने से आमजन व किसानों के चेहरे खिले दिखे।